अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दो रोज़ा दौरे पर रूस जाएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में तआवुन से मुतलिक दस्तखत होंगे। इमरान खान रूस की जामिया मस्जिद का भी दौरा करेंगे। नैब थकता है इल्ज़ाम लगाने से, ना हुकूमत के वज़ीर थकते हैं, ना वज़ीर आज़म खुद थकता है। जिस वज़ीर आज़म ने मुल्क के अंदर मीशत को तबाह कर दिया हो, आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया हो, आज वो कोई अपनी हुकूमत का दिफा करने से कासिर है। सिर्फ उसके में ये इल्ज़ाम होते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान ने मईशत को तबाह करके रख दिया, हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस आया है, फेक न्यूज़ पर अंदर कर देंगे। हुकूमत आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन नैब बताएं करप्शन में कितने लोगों को पकड़ा है। हुकूमत के गैर कानूनी मशीरे एहतसाब अपने असासों की तफसीलात बताएं। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कोशिशों में तेजी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज आसफ अली जरदारी से मिलेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर लीगी सदर के आजाज में अशाइया देंगे। दोनों रहनुमाओं में अब तक होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों पर तबादला ख्याल होगा। गुज़िश्ता रोज भी मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी की मुलाकात हुई थी। रूस और यूक्रेन में कशीदगी मजीद बढ़ गई। रूस ने यूक्रेन के मास्को नवाज दो इलाकों की आज़ाद हैसियत तस्लीम कर ली। रूस अब डोनेसिक और लुहानसिक का यूक्रेन से दफा कर सकेगा। व्लादिमीर पुतिन ने दस्तखत कर दिए। रूसी फौज की आज़ाद तस्लीम किए गए इलाकों में तैनाती का हुक्म। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में शहरी रूसी परचम थामे सड़कों पर आ गए। अमेरिका का रूस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है कि तहादियों से मशावरत के बाद पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। जापानी वजीर आजम की भी रूस पर अमेरिकी पाबंदियों की हिमायत। अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब। चीनी सफारतकार वांगजी का अमेरिकी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खुर्शीद शाह के अहल खाना को भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ। नैब की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलें खारिज। ठोस शवाहिद के बगैर किसी पर भी केस बनाना दुरुस्त नहीं। नैब तहकीकात में मेहनत करे और ट्रायल कोर्ट में साबित करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में पीटीआई खत्म हो जाएगी। मैं अंदर से एमक्यूएम का ही हूं। पीटीआई के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं, इमरान खान मेरे चेयरमैन हैं, एमक्यूएम के बानी कायद ही मेरे लीडर हैं। कोरोना मस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 2.51% रिकॉर्ड। 961 नए केस रिपोर्ट। 13 अफराद जान की बाजी हार गए। ये थी एनए हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए देखते रहें एनए न्यूज़।